तो ऑल द बेस्ट उन सभी मेरे दोस्तों का जिनका कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर आप बेरेक ले जा सकते हो, ओपन बुक तो नहीं बेरेक ले जा सकते हो, बेरेक देख के आप कर सकते हो। और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको एडवोकेट, आप एडवोकेट बन सको और अपने नाम के आगे एडवोकेट विशाल सिंह ऐसे कुछ लगा सको। अब बात आती है इसको कब करना होता है, क्यों करना होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही कोई लॉ स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो वो एक लॉयर बन जाता है, और अगर लॉयर वो बन जाता तो वो एलिजिबल है लिटिगेशन में प्रैक्टिस करने के लिए वंस ही गेट बीसीडी सर्टिफिकेट। मतलब उसको एक इनरोलमेंट आईडी मिलता है बीसीडी से, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। मतलब हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल से पहले से रजिस्टर्ड करवाना होता है। रजिस्टर्ड के अंदर एक ₹1,000 का एक फॉर्म आता है, उसको भरना होता है, फोटोज़ लगानी होती हैं, कुछ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपीज़ लगानी होती हैं, मार्कशीट लगानी होती है, ये सब चीज़ें लगानी होती है, और दो मतलब एक एफिडेविट भी लगाना होता है, और जो 10 साल से ज़्यादा जिस एडवोकेट के पास एक्सपीरियंस है उससे सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें चाहिए होता है। जैसे ही आप सबमिट करते तो फिर आपको ₹14,450 का वहाँ पे जमा करने होते हैं। वो फिर जैसे ही आप जमा करते हो विद इन 15 दिन के अंदर आपको बीसीडी मतलब बार काउंसिल आपके स्टेट के, जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़, बार काउंसिल ऑफ असम, मतलब कहीं से भी स्टेट में हो, तो मैं दिल्ली से हूँ तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का आपको आ जाता है इनरोलमेंट आईडी। अब जब आपको इनरोलमेंट आ जाता है तो आप एक एडवोकेट बन जाते हो। ये एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो 2 साल तक वैलिड होता है, क्योंकि आप जब भी कोर्ट में केस लड़ते हो तो उसमें वकालतनामा फाइल करना होता है। वकालतनामा मतलब कि आप उस वकालतनामा से किसी को केस में रिप्रेजेंट, किसी भी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो तभी जब आप एक एडवोकेट हो। लॉयर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सके। सो टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट आपको चाहिए एडवोकेट, आप एडवोकेट होगे तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसके लिए सबको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है जैसे वो स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जाता है। और जैसे आप ये जो रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको 2 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये, कि अब आप 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 2 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 सालों के अंदर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना होता है जो कि कल है। तो जब ये आप एग्ज़ाम देते हो तो अगर आप इसे पास कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए एडवोकेट बन जाते हो। तो अब आप समझ गए कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ 2 साल में, और उसी 2 साल के अंदर आपको बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, फिर आप एडवोकेट बन जाते हो। अब बार काउंसिल का एग्ज़ाम देने के बाद या बार काउंसिल में आप जैसे रजिस्टर्ड हो उसके बीच में कुछ हो जाता है और ये जो इतने आपने पैसे दिए तो इसके पैसे का करता क्या बीसीडी और बीसीआई। तो एक्चुअली ये जो पैसे होते हैं ये एडवोकेट फंड्स में जाते हैं और इसके मतलब उनके लिए कुछ बढ़िया किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी फैमिली को भी चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी किसी एडवोकेट के फैमिली के अंदर, तो वहाँ से वो एप्लीकेशन के थ्रू विड्रॉ कर सकता है। तो इस टाइप से ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। मेरा इस चैनल का पर्पस है लॉ से रिलेटेड जो फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर करने के। तो जय हिंद, जय भारत।